गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने एक नई वीडियो में। और दोस्तों, मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ एक कहानी जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसको आप सुनकर के आप ये समझ जाएंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो काम कर रहा हूँ, क्यों काम कर रहा हूँ, कैसे काम कर रहा हूँ और किस प्रकार का काम कर रहा हूँ और मैं क्यों काम कर रहा हूँ। तो ये कहानी एक बहुत ही मोटिवेटेड कहानी है और इस कहानी को पूरा सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि ये कहानी आपकी लाइफ को चेंज कर दे, आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर दे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। दोस्तों इस कहानी में दो जानवर होते हैं, पहला होता है कुत्ता, दूसरा होता है खरगोश। अब होता क्या है कि ये दोनों जानवर जंगल में ही रहते हैं, और ये जो कुत्ता होता है वो बहुत ही जंगली होता है, और जो खरगोश होता है वो एक बहुत ही प्यारा जानवर है जो कि किसी भी दूसरे जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन दोनों के साथ क्या घटना घटती है तो आप ध्यान से सुने। जो जंगली कुत्ता होता है वो अचानक खरगोश को देख लेता है, और जैसे ही खरगोश को देख लेता है वो खरगोश की तरफ भागता है बहुत तेज़ी के साथ, और खरगोश भी उसे देख लेता है, और खरगोश भी उस कुत्ते को देख करके बहुत तेज़ी से भागता है। अब होता क्या है, कुत्ता खरगोश के पीछे पीछे भाग रहा है बहुत तेज़ी से, और खरगोश भी बहुत तेज़ी से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। तो कुत्ता बहुत तेज़ी से, कुत्ता पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे, 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 बहुत तेज़ी से भाग जा रहा है। कुत्ता उसको पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में कुत्ता उसे खरगोश को पकड़ नहीं पाता है। तो खरगोश जा कर के एक छोटे से बिल में जा कर के घुस जाता है। जब वो एक पेड़ के बिल में घुस जाता है तो वहाँ जा कर के वो आराम से बैठ जाता है। अब तो कोई भी उसे पकड़ ही नहीं सकता, ना कुत्ता ना कोई जानवर। तो कुत्ता उसके पास जाता है और बोलता है, ठीक है खरगोश भाई, मैं तुमसे साइज़ में बहुत बड़ा हूँ, तुमसे बहुत तेज़ दौड़ लेता हूँ, मेरी टांगें तुमसे भी काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाया, ऐसा क्यों हुआ? तो खरगोश बहुत ही सरलता से उसका जवाब देता है, और खरगोश कुत्ते से बोलता है, कुत्ते भाई तुम मुझसे साइज़ में बड़े हो और मैं तुमसे साइज़ में छोटा हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं पकड़ पाए, क्यों? क्योंकि तुम अपने लंच के लिए दौड़ रहे थे और मैं अपनी लाइफ के लिए दौड़ रहा था, यही वजह थी कि तुम मुझे नहीं पकड़ पाए। दोस्तों क्या हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है कि कुछ लोग अपने लंच के लिए भाग रहे हैं और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के लिए भाग रहे हैं? आज मैं उन लोगों के लिए कहूँगा जो आज जॉब लेने के लिए नौकरी लेने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं, ज़रा सोचें कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, सिर्फ लंच के लिए? अगर आप लंच के लिए कर रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी एक कुत्ते की तरह है, जो पूरी ज़िंदगी आप इसी तरह से भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, और एक दिन आपकी ज़िंदगी यूं ही गुजर जाएगी। और एक तरफ खरगोश है जिसकी स्पीड उस कुत्ते से भी तेज़ हो गई थी, जो कि अपनी ज़िंदगी के लिए दौड़ रहा था, अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए दौड़ रहा था। अब आपको फ़ैसला करना है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो काम करने जा रहे हैं या काम कर रहे हैं वो किस प्रकार का काम कर रहे हैं, लंच के लिए जा रहे हैं या अपनी ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं? लंच कमाने के लिए केवल काम कर रहे हैं या ज़िंदगी बिताने के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए काम कर रहे हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी स्टोरी थी, मोटिवेटेड स्टोरी थी, और जितने भी लोग इस कहानी को देख रहे हैं, इस कहानी को सुन रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको बहुत ही अच्छी तरीके से स्टोरी समझ में आई होगी कि आप अपने जीवन में किस प्रकार का काम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, इससे आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। तो जितने भी लोग इस कहानी को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपने आप से ज़रूर इस सवाल का आंसर लें कि हम
अपनी ज़िंदगी में जो काम कर रहे हैं वो किस प्रकार का काम कर रहे हैं। और ये बहुत ही मोटिवेटिव स्टोरी जो मैंने आपको भी बताई, आपकी लाइफ को बदलने के लिए, आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए बहुत ही एक अच्छी स्टोरी थी, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें कि आपको ये स्टोरी अच्छी कैसी लगी। और आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको नई नई और मोटिवेटेड स्टोरी भी आपको मिलती रहें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड विश यू वेल्थ।